हेलो दोस्तों, मैं हूं धरनी मंडल। हम लोग पूरा ग्रुप के साथ जा रहे हैं हन्ना मंदिर के लिए। हन्ना मंदिर एक बहुत चमत्कारी मंदिर है। और भाई लोग, आज हम लोग को उम्मीद भी नहीं था कि हम लोग जा पाएंगे बोलबम के लिए, क्योंकि दिन भर पूरा बारिश हो रहा था और जाने से पहले भी पूरा बारिश हो रहा था। आपको पता ही है, भगवान का बुलावा आने से कोई उसको रोक नहीं पाता है, वो भगवान का पास पहुँच ही जाता है। तो चलिए हम दिखाते हैं हम लोग कैसे गए, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो निकलने से पहले हम लोग थोड़ा फोटो शूट कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे। तो एक आदमी अभी मिसिंग है, एक आदमी है नहीं। तो हम लोग निकल गए हैं, ये रास्ते में है, और क्योंकि दिन में पूरा बारिश हुआ था तो इसी कारण रास्ते में भी पूरा पानी था। और मोबाइल का लाइट से तो दिख नहीं रहा है। अभी हम लोग हैसलवेल पहुँचे हैं। हरना जाते जाते रास्ते में एक गांव है, तो यहीं पर रुके हुए थे। तो कुछ आदमी आगे निकल गया, हम लोग कुछ आदमी पीछे है, हम लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे। रात के अभी 11:30 बज रहे हैं, तो हम लोग निकल गए हैं पूरा। शॉर्ट वीडियो ये आ गया। अभी हम लोग हैसलवेल पहुँचे हैं। अभी हैसलवेल से बारिश चालू हो गया है। अभी हमें उतना दिख नहीं रहा है, इसलिए अभी हम लोग यहाँ पर चार आदमी आगे आगे चल गया, सब चारों आदमी। ये हम लोग का पबजी प्लेयर है, बहुत भयंकर पबजी खेलता है, जो राइस्टर को अभी तक मार दे रखा है। हेलो, जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहा है। आज रात को पूरा पीसीआर भी घूम रहा था, चेकिंग के लिए बहुत कोई को पकड़ा था गांजा के लिए, देख रहा है कि तो बोल रूम वाला कोई गांजा तो नहीं पी रहा है, इसीलिए चेक कर रहा है। रात को हम लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग टीम में सब बच्चा बच्चा था। ये रास्तों के बीचों बीच था साफ्ट, और अच्छा हुआ कि किसी को काटा नहीं, क्योंकि पैर लगा कि पैर में कुछ लग गया लगा, क्यों बारिश भी हो रहा था, मेढक मेढक तो नहीं लगा। भगवान का कृपा था कि हम लोग को किसी को काटा नहीं सांप ने, वो सही सलामत हम लोग बोलबम के निकल गए हैं। आपको पहले बोले थे ना कि दिन भर बारिश हो रहा था कि हम लोग कैसे निकलेंगे, तो हम लोग जैसे ही घर से निकले तो बारिश भी पूरा छूट गया था। उसके बाद एक बार भी बारिश नहीं हुआ, सब भगवान की कृपा से हम लोग सही सलामत जा रहे हैं। इधर ये आ रहा है। और वो तो आपको पता ही है कि हरना मंदिर जो है बहुत चमत्कारी मंदिर है, और क्यों है उसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि वीडियो हम जल्दी से जल्दी पोस्ट करें आप लोग के लिए। कुछ देर अभी हम लोग यहाँ पर रेस्ट करेंगे, आधा घंटा एक घंटा, उसके बाद हम लोग नहाएंगे और पानी उठा के हम लोग निकलेंगे अभी, ठीक है। तो हम लोग अभी कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं और दिखाएंगे अभी कुछ देर बाद पानी हम लोग कैसे उठाएंगे। ये भी एक ग्रुप खोल दिया है कोट कपूर, ये लोग भी रेस्ट करेंगे अभी कुछ देर के लिए, उसके बाद ये लोग भी निकलेंगे हटना के। तो हम लोग नहा रहे हैं अभी, ये अपना भैया है, ये भैया भी नहा लिए, सब रहा, सब कोई नहा लिए। अभी हम नहाने जाते हैं, हम भी नहा लेते हैं। आज पूरा दिन बारिश हुआ है, ऐसे ही मौसम पूरा ठंडा है और पानी भी ठंडा है, और रात के समय नहाने का अलग ही मज़ा है। तो मेरा भी नहाना अभी कंप्लीट हो गया है, सब कोई नहा लिए हैं, अभी पूजा करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। पहले पूजा कर लेते हैं सब कोई हम लोग, उसके बाद निकलते हैं बोल बम के लिए। बोल बम का नारा चलिए तब अभी निकलते हैं, और डायरेक्ट हम लोग हन्ना में मिलते हैं, क्योंकि अभी पूरा भीगा हुआ रहेगा कपड़ा भी, और मोबाइल अभी नहीं पकड़ेंगे, इसलिए डायरेक्ट हन्ना में मिलते हैं अभी। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं हन्ना मंदिर। ये हन्ना मंदिर का नज़ारा है, और सुबह से ही लाइन लगना चालू हो गया है, तो हम लोग भी लाइन लगे हैं।
नहाएंगे, थोड़ा निकल के आप लोग को नज़ारा दिखा देते हैं कि नज़ारा कैसा है सुबह के टाइम। तो आप लोग वीडियो का मज़ा लीजिए और हम जाते हैं पूजा करने के लिए, तो वीडियो कोई और बनाएगा भी थोड़ा। ये है शिव मंदिर के अंदर वाला, ठीक है, तो वीडियो का मज़ा लीजिए। तो यहाँ पर भाई लोग कि पानी जो चढ़ाया जा रहा है, भोले बाबा को पानी भी चढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि इतना भीड़ था कि पानी चढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। कोई तो किसी का सर में भी चढ़ा दे रहा है बच्चा लोग। हम निवेदन करते हैं कि हिन्ना मंदिर का जो भी कॉमेडी है थोड़ा प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पानी चढ़ाने में बहुत दिक्कत होता है, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर सपोर्ट कीजिए थोड़ा कि पानी चढ़ाने में, खास करके लेडीज़ लोग के लिए बहुत दिक्कत होता है यहाँ पर पानी चढ़ाने के लिए। खास करके जो सावन का लास्ट महीना रहता है सोमवार, तो उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पर। इतना भीड़ रहता है कि जो 8 बजे पहुँचेगा उसको 12 बजे तक लग जाता है पानी चढ़ाने में, इतना लंबा लाइन लगता है। क्योंकि ये बहुत चमत्कारी मंदिर है ये, और बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पर जाने से बहुत मन का शांति मिलता है। ये हम लोग का ग्रुप का टीम मेंबर है, इसका भी पूजा हो गया है। तो मेरा पूजा हो गया भाई, तो अभी कुछ देखते हैं कुछ खाने के लिए, कुछ खाने के लिए कुछ अच्छा होगा तो कुछ खाते हैं अभी। इधर पूरा किताब भगवान का मूर्ति लगा हुआ है, ये लेडीज लोग का पूरा लगा हुआ है, ज्वेलरी सब लगा हुआ है लेडीज लोग के। देखो चारों तरफ लेडीज पूरा भीड़ बना के रखा है। यहाँ पर भी लेडीज लोग के लिए और बच्चों लोग के लिए, यहाँ पर ज़्यादातर लेडीज लोग के लिए मिलता है यहाँ पर सामान। अरे ऐसा ना, तुम हमारे रेडी रख के मिलता है। अच्छा अच्छा एडिटिंग सब हो गया। यहाँ पर नारायण भगवान का मूर्ति है यहाँ पर गुफा के अंदर, तो कुछ देर बाद हम लोग यहाँ पर घुसेंगे। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही अंदर जाएंगे हम लोग। ये हम लोग का धीरज है ग्रुप का, ये छोटू है, सब ग्रुप का बैठा हुआ है हम लोग का, ये ग्रुप का नहीं है, ये बाकी सब ऐसे ही बैठा हुआ है, सब यहाँ पर बैठा रहता है। तो कुछ टाइम हम लोग यहाँ पर रेस्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे नारायण भगवान का दर्शन के लिए। तो चलिए हम लोग जाते हैं नारायण भगवान का दर्शन के लिए, और आप लोग को भी दिखाते हैं नारायण भगवान का मूर्ति कैसा है और गुफा कैसे है। तो चलते हैं हम लोग भगवान का दर्शन के लिए, चलिए हम लोग अंदर जाते हैं। बहुत अंधेरा भाई, ओ नारायण भगवान, ओम नारायणी नमः। तो हम लोग शांति से आराम से प्रणाम कर पाए, थोड़ा खाली था, भीड़ भड़क का नहीं था, तो चलिए हम लोग प्रणाम कर लेते हैं। तो ग्रुप का सबको ही हम लोग प्रणाम कर लिए हैं।
तो आप लोग भी दर्शन कर लिए होंगे भगवान। तो अभी हम लोग निकलते हैं, इसके बाद बाकी सब भी आ गए हैं रेस्ट करने के लिए। ये मेरा भैया है, देख रहे हैं भाई रोड तरफ पूरा भीड़ लगना चालू हो गया अभी अभी से, तो धीरे धीरे पूरा भीड़ बड़ा हो जाएगा, पूरा भीड़ हो जाएगा भाई यहाँ पर। अभी कुछ खाना पीना हो जाएगा यहाँ पर, पूरा मिट्टी मिट्टी के ऊपर पानी हो गया ना, स्लिप हो रहा है सब कोई, तो चलने में बहुत किसी का दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। ये राधे कृष्णा का मंदिर है, बहुत अच्छा है मंदिर और बहुत लंबा भी है। तो चलिए अभी कुछ खाना पीना हो जाए, और इसमें पूरा प्रोटीन भरपूर है इसलिए पहले यही हम लोग खाएंगे, शरीर के लिए भी अच्छा है। तो चलिए हम लोग खाते हैं अभी, तो अभी हम लोग खाएंगे पूरी सब्जी खाएंगे और इसमें पूरा पेट भर जाएगा। और खाने के बाद कुछ थोड़ा मेला हम लोग घूमेंगे और कुछ मार्केटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए। चलिए तब हम लोग खा लेते हैं पहले और उसके बाद थोड़ा मार्केट घूम के फिर हम लोग घर निकलते हैं। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं घर और सब थके आ रहे हैं, अभी सब घर जाके शायद सोएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा।